नमस्कार दोस्तों, मैं विदेश ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो पेश है हिमाचल प्रदेश के दिन भर के मुख्य समाचार। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट अपडेट से। तो फर्स्ट अपडेट है, हिमाचल भारी बारिश, ओलावृष्टि और तूफान ने मचाई तबाही, बिजली गिरने से दो बच्चे बेहोश। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को येलो अलर्ट के बीच भारी बारिश, ओलावृष्टि और तूफान से काफ़ी नुकसान हुआ। धर्मशाला में भारी बारिश और तूफान ने तबाही मचाई, तूफान से कई बड़े पेड़ घरों में गिर गए। हमीरपुर, ज्वालामुखी, रात पालमपुर में तेज बारिश और ओलावृष्टि हुई, आसमानी बिजली गिरने से सरका घाट के गहरा में दो बच्चे बेहोश हो गए। राजधानी शिमला में दोपहर को बारिश हुई, इसके बाद धूप के साथ हल्के बादल छाए रहे। तो नेक्स्ट अपडेट है, हिमाचल में आज से अनलॉक शुरू, सभी दुकानें खुली, दफ्तरों में पहुंचे कर्मचारी। हिमाचल प्रदेश में कोविड की दूसरी लहर में लागू किए गए कोरोना कर्फ्यू के बाद सोमवार को अनलॉक एक शुरू हो गया है। प्रदेश भर में 9 बजे से सभी दुकानें खुल गई हैं। दोपहर 2 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। यह व्यवस्था 5 दिन सोमवार से शुक्रवार तक रहेगी। शनिवार और रविवार को जरूरी वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। सरकारी दफ्तरों में भी आज से 30% स्टाफ आया है। हालांकि आज यह तय होगा कि कौन कर्मचारी और अधिकारी कार्यालय आएंगे और कौन करेगा वर्क फ्रॉम होम। नई व्यवस्था 7 जून को 6 बजे तक लागू रहेगी। हेयर कटिंग सैलून की दुकानें भी आज खुल गई हैं। प्रदेश के कई शहरों में आज पार्किंग भी फुल हो गई है। इसके अलावा बात करें तो दूध, ब्रेड, दवाओं आदि की दुकानें हमेशा की तरह शनिवार और रविवार को भी खुली रहेंगी। वहीं शिक्षण संस्थान खोलने, 12वीं की परीक्षा करवाने और बसें चलाने पर 5 जून को होने वाली कैबिनेट बैठक में फैसला होगा। नई व्यवस्था 7 जून को 6 बजे तक लागू रहेगी। नेक्स्ट अपडेट है, हमीरपुर और बिलासपुर के लिए LPM PSA संयंत्रों की रखी आधारशिला। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय वित्त कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर मेडिकल कॉलेज और बिलासपुर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घुमारवी में 140 LPM PSA संयंत्रों की आधारशिला रखी। इसके अलावा प्रदेश में 23.59 लाख को लगाई वैक्सीन जयराम। CM जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने प्रदेश में 23.59 लाख लोगों को वैक्सीन लगवा दी है। वैक्सीन के 0% वेस्टेज करने वाले देश के कुछ राज्यों में से हिमाचल प्रदेश एक है। उन्होंने इस महामारी से निपटने के लिए केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री के योगदान के लिए आभार जताया। इसके अलावा हिमाचल में स्थापित होगा ऑक्सीजन बैंक अनुराग। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में ऑक्सीजन बैंक स्थापित किया जाएगा, जिससे 700 बिस्तरों को निर्बाध ऑक्सीजन आपूर्ति होगी। उन्होंने कहा कि JP नड्डा इस ऑक्सीजन बैंक के लिए 108 ऑक्सीजन कंसंट्रेटरों और 160 ऑक्सीजन सिलेंडरों की पहली खेप रवाना करेंगे। इसके अलावा बात करें तो सोलन में मेकशिफ्ट कोविड अस्पताल शुरू। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को शिमला से वर्चुअल माध्यम से जिला सोलन के रबोन में राधा स्वामी सत्संग ब्यास केंद्र में 3.90 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मेकशिफ्ट कोविड अस्पताल शुरू किया। कहा कि इस मेकशिफ्ट अस्पताल में 200 ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों की सुविधा है। अस्पताल में रोगियों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए 100 चिकित्सक, स्टाफ नर्स और अन्य पैरामेडिकल कर्मी उपलब्ध है। रैपिड टेस्टिंग के लिए प्रयोगशाला भी स्थापित की है। तो नेक्स्ट अपडेट है, जल शक्ति विभाग के पेयजल भंडारण टैंक में मिले मृत जानवर। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू की धलाश पंचायत के सोईधार गांव में जल शक्ति विभाग के पेयजल भंडारण टैंक में मरे हुए कई जंगली जानवर मिले हैं। ग्रामीणों ने स्वयं टैंक की सफाई की तो जंगली जानवरों के कंगाल और गांद निकली, इससे जल जनित रोगों के फैलने की आशंका बन गई है। हाँ तो इस बात की है कि विभाग पेयजल स्टोरेज टैंक पर छत तक नहीं लगा पाया है, खुले टैंक में ही पानी स्टोर किया जा रहा है। ग्रामीण लंबे समय से इसी टैंक को दूषित पानी पीने के लिए मजबूर है। ग्रामीणों ने विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। टैंक पर लैंटर न होने से इससे जीव जंतु और कचरा समा रहा है। विभाग लोगों को मटमैला और गंदगी भरा पेयजल आपूर्ति मुहैया करवा रहा है। इस टैंक से सोईधार, शिलाभाग, गोंडाधार, बनारा और वोहा आदि गांव के लिए पेयजल सप्लाई होती है। नेक्स्ट अपडेट है, राशन के बाद अब डीजल और पेट्रोल भी बेचेगी हिमाचल पुलिस। हिमाचल प्रदेश पुलिस रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाले सामान के अलावा अब पेट्रोल डीजल भी बेचेगी।
पुलिस मुख्यालय की ओर से सोलन जिले में पेट्रोल पंप स्थापित करने के लिए किए गए आवेदन को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने स्वीकार कर लिया है। अब कंपनी और पुलिस मुख्यालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होंगे और उसके बाद कंपनी पुलिस के लिए पेट्रोल पंप स्थापित करेगी। पुलिस के कर्मचारी पेट्रोल पंप का संचालन करेंगे और इससे होने वाली आय को पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कंपनी के अधिकारियों ने MOU के लिए पुलिस मुख्यालय से संपर्क भी साध लिया है। उल्लेखनीय है कि DGP सीताराम मरडी के समय में PHQ ने एक प्रस्ताव तैयार कर IOC को भेजा था। तो नेक्स्ट अपडेट है, सिरमौर करोड़ों के गांजे की खेप के साथ 3 गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के पूर्वाला थाना क्षेत्र में पुलिस टीम ने देर रात नाके के दौरान एक ट्रक से करोड़ों रुपए की गांजे की बड़ी खेप पकड़ी है। पुलिस ने 303 किलोग्राम गांजे की खेप सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। सिरमौर पुलिस के उच्च अधिकारियों को गुप्त सूचना मिली थी कि उत्तर पूर्वी राज्य से उत्तराखंड के रास्ते हिमाचल की तरफ करोड़ों के गांजे की खेप लाई जा रही है। सूचना मिलते ही पूर्वाला पुलिस थाना प्रभारी विजय रघुवंशी की टीम अलर्ट हो गई। पांवटा साहिब भंगानी सड़क पर शिवपुर के पास देर रात तक नाका लगाया गया। देर रात करीब 2:30 बजे भंगानी की तरफ से ट्रक आया। इसमें यूसुफ अली पुत्र चित्रुद्दीन निवासी अपर भंगानी पांवटा साहिब, कादर अली पुत्र गुलजारुद्दीन निवासी सिंहपुरा पांवटा साहिब और तोहिद अली पुत्र कबूलद्दीन निवासी अपर भंगानी सवार थे। ट्रक तिरपाल से ढका था। पुलिस ने तिरपाल हटाकर देखा तो उसमें बड़ी मात्रा में गांजे की खेप मिली। पुलिस ट्रक से 303 किलो गांजा बरामद किया। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बाजार में इस गांजे की कीमत करोड़ों में आंकी गई है। नेक्स्ट अपडेट है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के इन पदों की परीक्षा का रिजल्ट आउट। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 815 की लिखित परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। इस परीक्षा में 149 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। सफल अभ्यर्थियों का 15 नंबर का मूल्यांकन 5 और 6 जुलाई को सुबह 9:30 बजे होगा। नेक्स्ट अपडेट है, हिमाचल तकनीकी विश्वविद्यालय लेगा ऑनलाइन परीक्षाएं, 8 तरह के शुल्कों में 50% छूट। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर पहली बार विद्यार्थियों की ऑनलाइन परीक्षा लेगा। ऑनलाइन दाखिला प्रक्रिया के बाद अब यह पहला विश्वविद्यालय है जो परीक्षाएं भी ऑनलाइन करवाएगा। इसके अलावा कोरोना काल के बाद भी विश्वविद्यालय 20% पाठ्यक्रम ऑनलाइन ही पढ़ाएगा। सोमवार को शासक मंडल BOG की वर्चुअल बैठक कुलपति प्रोफेसर SP बंसल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में छात्र छात्राओं से लिए जाने वाले 8 तरह के शुल्कों में 50% छूट देने का फैसला लिया गया है। इससे विद्यार्थियों को 3,700 रुपये तक की छूट मिलेगी। यह राहत सिर्फ वर्तमान में चल रहे सेमेस्टर में ही मिलेगी। हालांकि डिग्री कोर्स के लिए ट्यूशन फीस पूरी ही चुकानी पड़ेगी जो 14,900 से लेकर 37,400 रुपये तक है। कुलपति प्रोफेसर SP बंसल ने कहा कि आने वाले समय में वर्चुअल लैब के माध्यम से विद्यार्थियों के प्रैक्टिकल करने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।